students how are you i hope you all are good or badiya ke what our topic is about the tenses this is the topic so in tense in a sentence denotes the time of an action in the sentence it says whether the action happened in past or happens now or will happen later in future based on this we can divide the tenses into three tenses present पास्ट एंड फ्यूचर तो टेंस को हमने कितने कैटेगराइज में किया है बच्चे जब हम सेंटेंस के अंदर उसको डिनोट करते हैं तो हम टाइम ऑफ एन एक्शन के बेस पर सेंटेंस के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं और ये हमने कैटेगराइज किया है थ्री बेस पर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर पर प्रेजेंटेंस प्रेजेंट टेंस जो है बेटा अभी इसमें यह क्या प्रेजेंट करता है ये एक्शन को शो करता है ओनली इन प्रेजेंट टाइम यूज ऑफ प्रेजेंटेंस हेर आर समेजेंटेंस First is to expresses a universal truth. Example: a magnet. A magnet attracts iron. To show a habitual action, she goes to school every day. To show a future event which is already arranged, are you going tomorrow? To express an action taking place at present, he is offering. प्रेयर नाउ तो आपने देखा यहां पर किस तरह से हमारे जो एग्जाम्पल थे वो फ्यूचर को शो कर रहे हैं वो टेकिंग प्लेस को शो कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर शो कर रहे हैं और पास में भी शो कर रहे हैं है ना तो इस बेस पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट इन टेंस इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज डन

नेक्स्ट इज नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर दे डू नॉट लीव द हाउस आउट ऑफ फियर सो डू नॉट डू नॉट यहां पे क्या प्रेजेंट कर रहा है नेगेटिविटी को सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है तो दैट्स वाई वी आर इट नेगेटिव सेंटेंस 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 नेक्स्ट इज में ऑलवेज यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क एंड इट ऑलवेज यूज विद

ठीक है आप जब बोल रहे हो मैं इस वो काम क्या हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है तो तो मैं बोल रही हूं, तो अभी क्या है 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 प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रोग्रेसिंग में है, ना आप पढ़ रहे हो आप सुन रहे हो तो ये भी क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इसी के अंदर आप यूज करने वाले हो अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सो फर्स्ट सेंटेंस अवर अफर्मेटिव आई एम प्लेइंग नेक्स्ट Negative sentence. Negative sentence we are using here. Not. I am not playing. Interrogative sentence, question mark, and with the helping of verb, we are always start. Next, present perfect tense. Present perfect tense ke liye.

Present perfect continuous tense. It is used to express the action which was started in the past and still is continuing. तो यहाँ पर भी आपका पास्ट में सेंटेंस शुरू हुआ और वो एक्सप्रेस करता है कब स्टिल कंटिन्यूइंग को कि अभी भी वो चीजें चल रही हैं पास्ट टाइम से स्टार्ट हुई और अभी भी कनेक्टिविटी बनी हुई है तो यहाँ पर भी हम कैटेगराइज करेंगे वैसे ही सेम फॉर्म के अंदर सेंटेंसेस के बेस पर अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बेस पर द चिल्ड्रन फॉर पार्टी सिंस फाइव ओ क्लॉक नेगेटिव द बेबी हैज नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग इंटेरोगेटिव हैज शी बीन वर्किंग हार्ड फॉर हर एग्जाम्स ओके सो ये हमने पढ़ा सेंटें के, के बारे में और अपने किस बेस पर इन डेफिनेट को कैसे यूज करना है इन सेंटेंसेज सो यू हैव टू यूज ऑल्सो यू हैव टू मेक योर सेंटेंसेज बाय ऑन और इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा ही प्रैक्टिस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स